दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर बिना सही जानकारी के किया जाए तो मौत तक हो सकती है। आज का हमारा स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साल था 2009। फ्लोरिडा के एक जाने माने नदी में दो नावों की आपस में टक्कर हो जाती है। इस दुर्घटना में दोनों नावों पर मौजूद लोग सुरक्षित तट पर पहुंच जाते हैं, मगर एक नाव जो कि एक प्लेजर क्राफ्ट था नदी में डूब जाती है। नाव जिस जगह पर डूबता है वहां की गहराई सिर्फ 50 फीट था और नाव नदी के सतह में एक ढलान पर अटका हुआ था। दुर्घटना एक बिजी शिपिंग चैनल के काफी नजदीक होने की वजह से बड़े शिप्स को भी इस डूबी हुई नाव से नुकसान हो सकता था, इसलिए डूब चुके इस प्लेजर क्राफ्ट को तुरंत वहां से हटाना काफी जरूरी हो गया था और इस काम को करने के लिए एक लोकल कमर्शियल डाइवर को कांटेक्ट किया जाता है, मगर वो स्कूबा डाइवर कहीं बाहर गया हुआ था और काम शुरू करने में उसे और 2 हफ्तों का टाइम लगने वाला था। ऊपर से वो काफी पैसों का डिमांड भी कर रहा था। उसके बाद इस काम को करने के लिए उसी एरिया में रहने वाले 43 साल का स्कूबा डाइवर टिम को कॉन्टेक्ट किया जाता है। टिम के पास स्कूबा डाइविंग का काफी अनुभव था। लोकैलिटी में टिम काफी पॉपुलर भी था। टिम एक रिक्रिएशनल डाइवर था, यानी टिम के पास नाव जैसी कोई बड़ी चीज को बाहर निकालने की एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। हालांकि टिम ने कुछ छोटे मोटे चीजों को पानी से बाहर जरूर निकाला था, मगर इस काम को करने के लिए कमर्शियल डाइवर्स का जरूरत था जो पानी के अंदर खतरनाक माहौल में काम करने के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। फिर एक दिन सुबह टिम नदी में एक फ्लैग लगाकर डूबी हुई नाव का इंस्पेक्शन करने पानी के अंदर उतरता है। टिम को अपना डाइविंग एक्सपीरियंस और स्किल्स के ऊपर इतना भरोसा था कि उसने अपने साथ काम करने के लिए किसी दूसरा डाइवर को नहीं बुलाया। स्कूबा डाइविंग का एक थंब रूल ये है कि आप कभी भी अकेले पानी में नहीं उतर सकते, मगर टिम कॉन्फिडेंट था और उसने अपना स्कूबा गियर को पहनकर पानी में उतर गया। उसने अपने साथ एक DPV यानी डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल भी पकड़ा हुआ था। DPV दिखने में किसी टॉर्पीडो जैसे ही दिखती है, जिसकी मदद से पानी के अंदर काफी आसानी से इधर उधर मूव किया जा सकता है। फिर टिम उस डूबी हुई नाव तक पहुंचकर चारों तरफ चक्कर लगाकर नाव पर मजबूत जगहों की पहचान करता है, ताकि उन जगहों पर लिफ्ट बैग्स लगाकर नाव को ऊपर ले जाया जा सके। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर टिम ने सोचा कि एक्सीडेंट के वक्त नाव को जहां टक्कर लगी उस एरिया को भी देखना जरूरी है, तभी सिचुएशन का सही असेसमेंट किया जा सकता है। मगर इसके लिए टिम को नाव के निचले हिस्से तक पहुंचना था जो रेत के अंदर दबी हुई थी। फिर टिम निचले हिस्से तक पहुंचता है और अपना DPV को रेत के तरफ रखकर ब्लोअर की तरह चलाता है, ताकि रेत के अंदर दबी हुई उस क्षतिग्रस्त हिस्से को देख सके। मगर टिम का ये कदम एक जानलेवा गलती था। रेत हटाने के साथ साथ नाव भी धीरे धीरे टिम की तरफ खिसक रहा था और टिम को इस बात का बिल्कुल भनक नहीं था, क्योंकि रेत को हटाने के चक्कर में पानी मटमैला हो चुका था, जिसकी वजह से कुछ भी देख पाना असंभव था। नाव रेत में और दस्ती चली गई और अचानक टिम ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर रेत और नाव के बीच में फंस चुके हैं। टिम ने जरूर DPV से और रेत हटाने का कोशिश किया होगा, मगर वो टिम के पैर ही थे जो नाव को और खिसकने से रोके हुए थे। अब नाव रेत पर नहीं बल्कि टिम के पैरों पर टिकी हुई थी और वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन था। ऑक्सीजन खत्म होते ही टिम का मौत होना तय था। आखिरकार टिम का मौत पानी में डूब जाने से हो जाती है। कई घंटों बाद भी जब टिम ऊपर नहीं आया तो लोगों ने फायर डिपार्टमेंट वालों को खबर किया। जब फायर डिपार्टमेंट के होताकोरों को टिम का लाश मिला, तब वो उसी हालत में नाव के नीचे फंसी हुई थी। इस केस में टिम का जान जाने का मुख्य कारण था जानकारी की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस। आमतौर पर इस तरह के कामों में स्कूबा डाइवर्स की पूरी टीम जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की सप्लाई और कम्युनिकेशन ऊपर मौजूद नाव से किया जाता है। स्कूबा डाइवर्स एक केबल के जरिए जुड़े रहते हैं ताकि इमरजेंसी के हालात में उनको बाहर निकाला जा सके। इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए टीम ने अकेले ही इस काम को करने का फैसला किया और अपना जान गंवा दी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।